नमस्कार, मैं हूँ प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। आज हम बात करेंगे टीवी के बहुचर्चित शो बिग बॉस के बारे में। बिग बॉस का यह 13वां सीजन अपने आखिरी पड़ाव में है, जहां पर इस साल शो में कई सारे ट्विस्ट और टर्न देखने को मिले। इतना ही नहीं, इस साल तो इस शो में वो सब भी हुआ जो अब तक के बिग बॉस के इतिहास में नहीं हुआ था। जहां कई बार शो के फॉर्मेट को चेंज किया गया, वहीं खबरों की माने तो बिग बॉस का यह सीजन अभी तक सभी सीजन में सबसे ज्यादा टीआरपी बटोरने वाला रहा। और यही कारण था कि इस साल इस शो के ड्यूरेशन में भी बढ़ोतरी की गई, जिसके तहत जो शो दिसंबर महीने तक अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंच जाता था, वही इस साल यह शो फरवरी महीने तक ले जाया गया है। हालांकि कुछ दिनों में इस शो का फिनाले भी करवा दिया जाएगा। एक निर्धारित पैटर्न पर चलने वाले इस शो की अगर हम बात करें तो हर साल इस शो में कोई ना कोई बिहार का कंटेस्टेंट बिहार का प्रतिनिधित्व करने जरूर आते हैं। वहीं हर साल की भांति इस साल भी इस शो में बिहारियों का बोलबाला देखने को मिला। इस सीजन में भी खेसारी लाल यादव और विशाल दो ऐसे चेहरे थे जिनका नाता बिहार की धरती से रहा है। खेसारी लाल यादव भोजपुरी जगत के जाने माने सितारे हैं, जिनका जन्म बिहार के शिवान जिले में हुआ था। खेसारी लाल यादव भले ही आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हो, मगर बिग बॉस के उनके सफर में उनका एक अलग रूप ही लोगों को देखने को मिला है। जहां कुछ समय तक तो वो ज्यादा घुलते मिलते नहीं दिखे, मगर कुछ हफ्तों के बाद उनकी सादगी और उनका चुलबुलापन लोगों को बखूबी देखने को मिला। हालांकि शो का ऐसा फॉर्मेट है कि उनसे खेसारी ज्यादा दिन तक अपनी जगह बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। वहीं दूसरे थे विशाल आदित्य सिंह, जो कि मूल रूप से बिहार के ही निवासी है। विशाल का जन्म बिहार के आरा जिले में हुआ था। बिग बॉस से पहले विशाल स्टार प्लस के एक मशहूर शो कुल्फी कुमार बाजेवाला में तेवर की भूमिका निभाते नजर आए थे। विशाल के बिग बॉस करियर की अगर हम बात करें तो बिग बॉस के फिनाले के कुछ ही हफ्ते पहले विशाल को घर से बेघर होना पड़ा था, मगर विशाल ने बिग बॉस के घर में काफी लंबा समय तय कर लिया। इतना ही नहीं, अपने बिग बॉस की जर्नी में विशाल कई कंट्रोवर्सी का हिस्सा भी रहे। कारण रहा उनकी गर्लफ्रेंड और उनके बीच हुए पैन से लड़ाई का, जिसके बाद से मधुरिमा तुली को घर से बेघर कर दिया गया था। वहीं विशाल को भी बेवजह लोगों को ना उकसाने की सीख दी गई थी, मगर उनका सफर घर में जैसा भी रहा हो, वाइल्ड कार्ड एंट्री के बाद उन्होंने अपना सफर बखूबी तय किया था। तो अब हम बात करेंगे बिग बॉस के घर में इस सीजन से पहले आए बिहारियों के एंट्री की। इसके आगे है अब हम बात करेंगे दीपक ठाकुर के। दीपक ठाकुर बिग बॉस के 12वें सीजन में आए थे। दीपक ठाकुर का जन्म बिहार के एक छोटे से गांव अथर में हुआ था। दीपक एक गायक है जिन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म में एक गाना गाया था। अगर हम दीपक ठाकुर के बिग बॉस के घर के अंदर के सफर की बात करें तो दीपक ठाकुर पहले दिन से ही सभी घर वालों से बेहतर तालमेल बनाने में सफल रहे थे। इसी सीजन में दीपक अपनी एक पार्टनर उर्वशी के साथ घर में एंटर हुए थे, मगर दीपक की पार्टनर का सफर तो बहुत ही कम दिनों में ही खत्म हो गया था। मगर दीपक सीजन के आखिरी हफ्ते तक घर में टिके रह गए थे। चाहे वो टास्क हो या नॉमिनेशन की प्रक्रिया, हर जगह दीपक ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से अपने साथ साथ समूचे बिहार का नाम रोशन किया था। दीपक बस एक कंटेस्टेंट नहीं बल्कि एक उम्दा एंटरटेनर भी थे, जिन्होंने पूरे सीजन लोगों को उनके जोक से खूब हंसाया भी था। यही तो कारण रहा है कि दीपक शो के इतने अंत तक गए, वो भी तब जब उन्हें कोई जानता पहचानता नहीं था। एक नॉन सेलिब्रिटी फेस का इतना लंबा सफर तय करना कोई आम बात नहीं है। तो ये थे बिग बॉस के घर में बिहार से जुड़े कुछ मशहूर कलाकार, जिन्होंने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से बिग बॉस के घर में बिहारियों का नाम रोशन किया है। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए हो और अगर आप ये ऐसी ही वीडियोस को और देखना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।